पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि सांसद ऐसे हैं जो पहली बार भी चुनकर आए हैं, फिर भी उन्होंने भाषण ऐसे थे जो सुनने लायक थे। इन सांसदों ने गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को बेहतर किया है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कुछ लोगों से झटपटाहट समझ में आती है, खास तौर पर ऐसे लोग जो लगातार तीसरी बार बुरी तरह से हार रहे हैं। हमें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने फिर से चुना है और सेवा करने का मौका दिया है। हमारे कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आज़ादी के बाद किसी भी दौर में इतने कम समय में इतने अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। चुनाव में यही बात हमारे लिए आशीर्वाद की वजह बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण ने इस देश को तबाह कर दिया है, इसलिए हमने सभी से न्याय और किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होने की नीति को अपनाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है, इसलिए फिर से एक बार देशवासियों की सेवा का मौका मिला है। इस चुनाव ने साबित किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, कितने विवेकपूर्ण तरीके से फैसला करती है। इसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने हैं और विनम्रता से सेवा के लिए उपस्थित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम यदि 2014 को याद करें तो हर जगह निराशा थी, तब यही सुनाई देता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भारतीयों की हताशा का हाल यह था कि हर दिन घोटालों की खबर आती थी और सैकड़ों करोड़ों के घोटाले हर दिन सामने आते थे। ऐसी स्थिति की कि घोटालों की होड़ थी, पूरी बेशर्मी के साथ स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है। ये साफ है कि 15 पैसे वाली टिप्पणी पूर्व पीएम राजीव गांधी ने की थी। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार और कांग्रेस को एक साथ निशाना साध दिया। पीएम मोदी ने इस सब के दौरान विपक्ष की ओर से संविधान की डिबेट खड़ी करने पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोल दिया। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ संविधान सिर पर रखकर नाचने वालों के पास जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का हौसला नहीं था। उन्होंने कहा कि एक समय तो ऐसा था जब कहा जाने लगा था कि जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन हमने उस समस्या को भी खत्म कर दिया और अब जम्मू कश्मीर भी देश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।